लड़ाई के दौरान एम्यूनिशन और सप्लाईज की निरंतर आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी तक जमीनी वाहनों से एम्यूनिशन रिप्लेनिश किया जाता था, पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते ये कार्रवाई ड्रोन के द्वारा भी की जा सकती है। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं, जहां इतिहास में पहली बार एक लॉजिस्टिक ड्रोन की मदद से अर्जुन टैंक पर एम्यूनिशन की आपूर्ति की जाएगी। ये ड्रोन एक एमबीटी अर्जुन को एम्यूनिशन बॉक्स को लेकर दाहिने वाले मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ उड़ते हुए जा रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस दिशा में और भी नए उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि रोबोटिक म्यूल, टैक्टिकल लोड हॉलर और लॉजिस्टिक्स रफ टेरेन व्हीकल। अपना ध्यान सामने और नीचे लगे हुए ब्रिज के दाहिने अलग से लगाए हुए ट्रैक के ऊपर ले जाएं, जहां आप इन सिस्टम्स को कार्य करते हुए देख सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में भी इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भारत में ही निर्मित स्पेशल क्लोदिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट तथा एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोदिंग को पहने हुए पैदल सेना सेचिन जैसे मुश्किल इलाकों में भी सहूलियत से इन सामग्रियों को फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकती है। अब आप अपना ध्यान वापस एरिया लेफ्ट फिंगर के पास मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ ले जाएं, जहां ये ड्रोन अर्जुन टैंक को एंड दिस इज वेयर टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन बैटल। ड्रोन्स डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी अ गेम चेंजर। Imagine you have your tanks deployed at the line of actual control and you need quick replenishment of ammunition. While drones, while trucks carry a lot of ammunition, but to that point, to quickly get them their ammunition, drones are also used. What else is it being used for? The remotely piloted vehicles, other vehicles, all of them carry the drones, that carry ammunition and other equipment that troops may require. Watch how the Prachand helicopter, an attack helicopter, gets into action to completely decimate enemy's armor and enemy's infantry combat vehicles. Look at made in India Prachand helicopter. रेतीला इलाका होने की वजह से इन टैंकों को देखने के लिए अपनी नजर उठती हुई धूल के निचले हिस्से पर ले जाएं, जहां भीष्म टैंक के संहार का सबल सामर्थ्य दिखेगा। अभी आप अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बना हुआ भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड तथा थल सेना के T-90 टैंक्स तेजी से बाएं से दाहिने की ओर बढ़ रहे हैं और अपने सटीक और तीव्र प्रहार से दुश्मन को टारगेट ग्रुप एक में बर्बाद करेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड संहार का आकाशीय आयाम 70 मिलीमीटर रॉकेट्स और 20 मिलीमीटर नोज गन से सुसज्जित। तो शक्ति H1 इंजन का उपयोग। देवी और सज्जनों, अभी आपने देखा किस प्रकार LCH प्रचंड ने अपने प्रभावी फायर से टारगेट ग्रुप एक में दुश्मन को धराशायी कर दिया। अब अपना ध्यान थोड़ा दाएं खुली जमीन की तरफ ले जाएं,